आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कम तेल का बना हुआ बहुत ही शानदार नाश्ता। ये बहुत ही टेस्टी है और सब्जियों से भरा हुआ नाश्ता। ये आप एक बार बनाएंगे ना, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। मेरे किचन रेखास फ्रेश फ्लेवर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें लेना है बहुत सारी सब्जियाँ। सब्जियों में हमने ले लिया है पत्ता गोभी, जिसको धोकर हमने थोड़े लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। उसके साथ ही ले लेंगे गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। और इन सब्जियों का ना कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई भी सब्जी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ही दो हरी मिर्ची ले लिया हमने, थोड़ा सा हरा धनिया, डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच हम ले लेंगे अजवाइन, हाथों से क्रश करके डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। आधा छोटा चम्मच काला नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, तीन बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे इसमें, इसी से बाइंडिंग होगी हमारा जो नाश्ता बना रहे हैं। और तीन बड़े चम्मच चावल का आटा भी डालेंगे, इससे हमारा जो नाश्ता है वो थोड़ा सा क्रंची बनेगा। अब हमें बिना पानी डाले हुए सबको मिलाना है, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है तो नमक सब्जियों में जाने के बाद पानी छोड़ता है। तो जितना वो पानी छोड़ा सबको अच्छे से पहले हम मिला लेंगे। अब इसमें दो चम्मच पानी डालकर मिलाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, जितना ज़रूरत लगेगा बस उतना ही पानी डालेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है, हाथों से दबाते हुए इसको मिलाएंगे तो अच्छे से ये बाइंडिंग होगा। और ये इसमें नमक डाला है तो जैसे जैसे मिलाते जाएंगे सब्जियां जो हैं हमारी थोड़ी सी मुलायम होती जाएंगी। अब इसमें थोड़ा सा बेसन की ज़रूरत मुझे और लगी तो मैंने दो चम्मच बेसन और डाल दिया है। आप चाहें तो इस समय चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब ये बैटर थोड़ा सा टाइट लग रहा है इसलिए एक चम्मच में पानी डालूंगी इसमें और अच्छे से इसको मिला लूंगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए ये जो बैटर है वो रेडी हो गया है, तो इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। और 10 मिनट के बाद ये जो हमने सब्जियाँ मिलाई हैं ये और भी सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हमें इसको सेकना है, तो सेकने के लिए एक तवा को हम गर्म कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर घी लगा दें। अब उसके बाद हम एक एक चम्मच लेके इसको राउंड शेप में फैला देंगे और चारों तरफ से मिला देंगे, क्योंकि इसकी में सब्जियाँ डली हैं वो लंबे लंबे शेप में हैं तो ये इधर उधर निकलेगा, इसलिए आप स्पून से साइड्स को आप अच्छे से बिठा दें। वैसे आप सब्जियों को बारीक बारीक काट कर भी इसको बना सकते हैं। और ये देखिए हमने अच्छे से इसको फैला दिया है, चारों साइड से मिलाते हुए फैलाएंगे तो ये अच्छा सा गोल शेप ले लेगा। और ये देखिए एक बार में मैंने यहाँ पर तीन डाला है क्योंकि उतने ही आएगा। आप चाहे तो इसको बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने इसको छोटा छोटा बनाया है। और इसमें ढेर सारी सब्जियाँ हैं दोस्तों, तो ये खाने में भी बहुत हेल्दी है। एक तरह का ये पकौड़ा बोल सकते हैं इसको, जिसको हमने तवे पे रोस्ट करके बनाया है। आप इसको चाहें तो डीप फ्राई भी करके बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा हेल्दी बनाना चाहती थी इसलिए मैंने तवे पे इसको बनाया है, जिससे तेल भी बहुत कम लगता है और बहुत टेस्टी भी ये बन जाता है। अब इसको दोनों साइड से मीडियम आंच पे हमें सेक लेना है, जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अच्छे से सिक जाए इसके लिए स्पैचुला से हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि नीचे का जो साइड है वो अच्छे से लेवल में आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप भी बना कर देखिए, कम ऑयल का बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि उन तक भी मेरी रेसिपी पहुंच सके और वो भी मेरी रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सके। और ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो गया था, तो इसको निकाल देते हैं और बाकी के सारे इसी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको सर्व कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और इसको बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको बनाकर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाएं या फिर इवनिंग में चाय के साथ खाएं, बहुत ही ये टेस्टी बनता है।
ये देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। चाहे आप इसको सॉस के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब है ये। तो आप भी बनाइए, बनाकर इसको एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा बना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।